वालेकुम वेलकम टू लारेब्स किचन उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तो आज की हमारी रेसिपी है ना हम लोग बना रहे हैं केक ठीक है तो आ, मतलब अभी इस टाइम रात के तकरीबन दो का टाइम हो रहा है तो बस आ, चाय के साथ केक का दिल हो रहा था तो बनाना शुरू किया है हम लोगों ने तो ये है ब्राउनी चॉकलेट केक तो जिसके लिए पहले मैं इसके जो मिक्सचर बनाने का होगा उसका आपको बता देती हूँ तो जिसके लिए मुझे चाहिए हो गए तीन आतद अंडे और हम उसको एक ब्लेंडर में जो है आ, ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से और वो सारा मैं आपको दिखाती हूँ तो तीन अदद हमने अंडे लिए हैं और इसे पहले हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे कि जब इसका अच्छा सा झाग फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम उसमें चीनी डालेंगे और मैदा हमने कितना लेना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा आ, मतलब अच्छा उसमें झाग वाला फॉर्म हो गया उसका अच्छा अब हमने जो चीनी लेनी है हमने ये मेजरमेंट जो है ये दो कप जो है वो हमने शुगर लेनी है और हमने शुगर मतलब पीसनी नहीं, नहीं है नॉर्मल शुगर लेनी है हमने तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे यही कप दो कप हमने ऑयल इसमें ऐड किया फिर अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और यही दो कप हमने शुगर लेनी है सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड किया है हमने और फिर उसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ये देखिए और ये इतना अच्छा सा मिक्सचर बन गया था इतना अच्छा फॉर्म टाइप का अच्छा सा मतलब फॉर्मी फॉर्मी सा हो गया था ये और अब हमने जो चीनी निकाल के रखी यही दो कप हमने चीनी ली है ये आप देख सकते हैं तो ये चीनी अब हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल अगर आप बिल्कुल इसी Uh, मतलब सारी ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा ये भी बहुत सॉफ्ट केक बना और बहुत मज़े का बना था केक क्योंकि रात में हस्बैंड का दिल हुआ था कि चाय के साथ मतलब कुछ होना चाहिए और रात के दो बजे का टाइम तो आपका पता है कि दो बजे तो इसलिए फिर वो बनाया फिर मैंने केक तो बस अब इस चीनी को भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है इसके अंदर और बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है इसे और अब हम दूध लेंगे तकरीबन ये इतना मतलब पूरा कप नहीं थोड़ा कम दूध हमने ऐड किया है और मलाई वाला दूध था ये वो हमने शामिल किया है इसके अंदर अब हम कोको पाउडर लेंगे और तकरीबन जितना मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर आ, उतना ही हमने लेना है ये चम्मच जो है सूप चम्मच जो होता है सूप स्पून वो हमने आ, टू लेना है ना अच्छी तरह से बस उससे ज़्यादा नहीं लेना हमने कोको पाउडर ये देखिए ये वाला चम्मच है अब दोबारा हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अब हम इसमें एक चम्मच भर के जो है वो बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे ये आप देख सकते हैं ये वाला मेजरमेंट है तो वन टेबल स्पून ये हमने डाला है और थोड़ा सा हमने वेनिला एसेंस शामिल करेंगे बस ये हमारा इसका बैटर जो है वो तैयार हो गया है आ, बस इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे मिक्स करेंगे और बस ये हो गया है हमारा रेडी और ये बहुत अच्छा मतलब स्पंजी केक बनेगा और बहुत सॉफ्ट बहुत ज़बरदस्त केक बना था सब हमने इसको एक साइड पे करके रखा अब हम अपना मैदा छान लेते हैं तो अब हमने जितनी चीज़ें ली थी ना वो सारी तो उसका बेस जो है वो ये है कि हमने मैदा जो है वो ये येलो वाला जो मेजरमेंट है हमारा ये दो कप लेना है ठीक है वो जो हमने रेड कप लिया था जिसका हमने ऑयल और चीनी ली थी तो ये उससे बड़ा कप है तो ये हमने दो कप लेना है अगर हम ये दो कप लेंगे तो वो दूसरा वाला जो है वो हमने दो कप चीनी लेनी है तो आपका आ, शुगर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और आप मैदे को बहुत अच्छे से छान लीजिए ये अब हमने छान लिया इसे बहुत अच्छी तरह से तो अब हम जो हमने उसका बैटर तैयार किया है अब वो हम इसमें शामिल करेंगे उप्स खैर केक बनाते वक्त ये थोड़ा बहुत मैं ना हो तो मज़ा नहीं आता खैर बहरल अब इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे है तो ये इस तरह से एक ही हमने उसमें इसको चलाना है मिक्स करते हुए तो बस ये इस तरह से और इतना अच्छा सा हमने कर लेना है कि ये इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए कुछ इस तरह से तो बहुत अच्छी तरह से इसको करना है हमने बस हमारा तैयार है इसको इतना ही करना है और आप इसकी शक्ल देखिए कि शकल इसकी ऐसी एस, ऐसी ही होनी चाहिए अभी मैं आपको इसका दिखाती हूँ अब हमने एक पेन लिया है और उसके अंदर जो है ये केक का है तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और आप बटर भी लगा सकते हैं आप बटर पेपर भी रख सकते हैं इसमें तो मैंने नहीं लगाया है अभी फ़िलहाल तो बस इसके अच्छी तरह से चीज़ वगैरह को अच्छी तरह से ऑयली कर लीजिए आप ये हमने कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा आ, जो मैदा है आसान हो रही है मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ जी आसान हो चुकी है अब आप ये मत कहिएगा कि मतलब रात में इस टाइम तो ये रात में मैंने वीडियो शूट की थी अभी बस मैं उठी हूँ और नाश्ता वगैरह करके तो अब मैं ये वीडियो जो है एडिट कर रही हूँ तो ये अब हमने अच्छी तरह से मैदा इसका जो है कर लिया है इसे तो अब हम जो केक का बैटर है वह अभी हम इसमें शाम डालेंगे तो बस केक का ये मिक्सचर जो है ये हमारा रेडी है ये देखिए अब आप में इसका आ, किस फॉर्म में है ये मैं आपको दिखाती हूँ और आपको ऐसा ही रखना है इसे आ, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए ये आप देख सकते हैं ये देखिए ये देखिए ये, ये ऐसा होना चाहिए ये शक्ल होनी चाहिए आपके केक की बैटर की तो वो फिर हाँ आप ये देखें आप आप ये अब हमने इसमें डाला है ये देखिए ओ माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त यार तो आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसी फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा अच्छा मेरी पहले भी केक की रेसिपीज वगैरह इसके अंदर है तो मैंने उसमें आ, क्या कहते हैं उसमें मिल्क ऐड नहीं किया है मैंने लेकिन मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और ये और ज़्यादा अच्छा बना है पिछले केक से बहुत ज़बरदस्त बना है हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया है तो अभी हमने ओवन में रख दिया है तो हमने तकरीबन इसका टेम्परेचर जो है आ, वो रखा था हमने 200 के करीब और जो आ, टाइमिंग थी हमने वो आधा घंटा रखी थी हमने इसकी तो ये आप देख सकते हैं और ग्रिल्स तो जो हैं वो दो, हमने दोनों ही ऑन की थी लेकिन इसको जो हमने नीचे की साइड पे थोड़ा रखा था तब तो आप ये देखिए अभी हम इसको टूथपिक पिक से चेक कर लेंगे ये देखिए इसने अपने एचिस छोड़ दिए हैं तो इसका मतलब यही है यह कि ये रेडी हो चुका है ये देखिए आप जब भी आप चेक करें तो आप इस तरह से चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका केक जो है वो रेडी है अगर उस पर कुछ मिक्सचर लगा हुआ नहीं आ रहा है सूखी आ रही है तो आपका केक रेडी है और ये माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इस टाइम जो है मैं थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ शुगर को और हस्बैंड ये वीडियो शूट कर रही हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी थैंक यू